हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुलता, मेरी चैनल अमृत ड्रीम्स में आप सबका स्वागत है। वैसे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आज हर तरफ पॉल्यूशन, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट का भी पॉल्यूशन हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम इससे बच सकें? वैसे बाहर तो हमें निकलना ही है और काम भी करना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में भी पॉल्यूशन होती है? जैसे आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप तो हर किसी के घर में है, ये कुछ ऐसा टीवी फ्रिज वगैरह होने की जैसा ही आजकल घर में रहते हैं। इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते अपनी ज़िंदगी को। लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों से भी घर के अंदर का पॉल्यूशन बढ़ता है। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, इथिलीन, ऐसे कई वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे घर की एटमॉस्फेयर में, घर की हवा में मिक्स हो जाते हैं। और ये भी एक कारण है कि आज हमारे दुनिया में, सारी दुनिया में कैंसर जैसे रोग इतने बढ़ गए। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप घर में रख कर अपने घर की एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो इजी प्लांट्स की, जो कोई भी ऐसा बिगिनर भी अगर कोई हो तो वो इस प्लांट्स को लगा सकता है। और इन प्लांट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इनको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको एक प्लांट मिल जाए तो आप इससे कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे। यहाँ पर मेरे पास पॉटिंग मिक्स के लिए जो जो चाहिए वो रेडी है। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 भाग गार्डन सॉइल लिया है, 1 भाग सैंड, रिवर सैंड, और यहाँ पर 1 भाग मैंने गोबर की खाद ली है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सैंड इसलिए लिया है क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे घर के अंदर रहेंगे, तो इनमें ड्रेनेज का एक इशू हो सकता है, नहीं तो पानी अगर बैठ गया तो रूट जो है इन प्लांट्स के वो रॉट हो सकते हैं और इससे प्लांट्स मर भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सैंड ऐड कर दीजिए, इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं ये मिक्स तैयार हो गया है। अब हम एक अर्दन पॉट लेंगे। जो नीचे का ड्रेनेज होल है इसको हम नॉर्मल प्रोसीड्योर से बंद करेंगे। देखिए, मेरे पास ऐसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, पॉट के टूटे हुए टुकड़े हैं ये मेरे पास, इससे हम ये ड्रेनेज होल अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। अब इसमें पॉटिंग मिक्स भर दी, पहले थोड़ा सा भर, प्लांट्स को यहाँ पर बिठाने के बाद बाकी फिल कर दीजिए। ये देखिए, मेरे पास कुछ स्नेक प्लांट्स के ऐसे लीफ के साथ ये रूट वगैरह जो था, ये रास्ते के साइड से आपको मिल जाता है, ये तो ऐसे वीड ही होता है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं या किसी दोस्त से मांग सकते हैं जिसके पास हो। आपको ऐसा एक पीस होने से भी आपको हो जाएगा, या आपको किसी भी नर्सरी से भी मिल जाते हैं। अब हम इसको ऐसे बिठा देंगे। Thank you.
वैसे तो स्नेक प्लांट्स क्योंकि ये डेजर्ट रीजन की है तो इन्हें ज़्यादा धूप पसंद है। अगर आप इसको पूरी सनलाइट में रखेंगे तो आप इसका फ्लावरिंग भी देख सकते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट के तौर पे भी काफ़ी अच्छा है। इनको आप अगर घर में रखेंगे, और याद रखिए कि इसको हफ्ते में एक ही बार पानी दीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए। अगर ज़रूरत हो तो पहले आप देख लीजिए कि इसकी सॉइल ड्राई है या मॉइस्ट है। अगर इसकी सॉइल आपको ड्राई टू टच लगे, टच करने पर अगर इसको ड्राई लगे आपको, तभी सिर्फ पानी दीजिए, वरना नहीं दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि ये सॉइल सेट हो जाए। देखिए, ये मेरे पास मनी प्लांट है, इसको पोथोस भी कहते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे ऐसे एक प्लांट से हम बहुत से प्लांट बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे स्टेप्स। हम यहाँ से इसको काट देंगे। देखिए, इन नोट का होना ज़रूरी है आप जो कटिंग लेंगे। इससे एक और बात होगी कि ये जो प्लांट है ये और भी बुशी हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम मनी प्लांट को इन छोटे छोटे स्टेम्स से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें एक छोटा सा पॉट ही चाहिए। इसकी जो ड्रेनेज होल है इसको भी हम सिमिलर वे से ढक देंगे। पॉटिंग मिक्स हमें चाहिए। इसको थोड़ा हाफ के ज्यादा भर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो लीव्स के जो स्टेम्स हैं, इसको याद रखिए, यहाँ की जो ये नोड्स है यहाँ से आप देख सकते हैं रूट्स निकल रहे हैं। हमको इसी को सॉइल के अंदर दे दें। ये देखिए, ये सारी रूट्स है। देख सकते हैं। हम एक और काट लेंगे, एक बड़ा सा है तो इसको हमने काट लिया। अब ऊपर से इन रूट्स को सिक्योर करने के लिए, स्टेम्स को सिक्योर करने के लिए हम ऊपर से मिट्टी दे देंगे, जो ये सॉइल हमने बनाई हुई है, सॉइल मिक्स ये देंगे। इसको सेट करने के बाद अच्छी तरह से हाथों से दबा दीजिए और फिर इसमें अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। वैसे मनी प्लांट अगर थोड़ी ज़्यादा पानी हो जाए तो कुछ माइंड नहीं करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इसको घर के अंदर रखेंगे तो आप हफ्ते में एक ही बार अच्छी तरह से इसको पानी दीजिए ताकि नीचे से पानी निकल जाए, और बाकी के दिन छोड़ दीजिए, पानी नहीं देना है आपको। आप देखेंगे कुछ दिनों में इस प्लांट की जो विगर है, जो ये और भी ज़्यादा खिल जाएंगे, इसमें और भी कई पत्तियाँ ग्रो करेंगी और कहीं स्टेम्स आ जाएंगे और ये थोड़ा बुशियर लुक हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आपने आज देखा कि एक छोटी सी मनी प्लांट स्टेम या वन लीफ ऑफ स्नेक प्लांट से आप कैसे बहुत से स्नेक प्लांट्स और मनी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं।
तो आप भी ऐसे कहीं से भी आपको मिल जाए, किसी दोस्त के पास से या नर्सरी से ले आइए और उस एक प्लांट से और भी कई प्लांट तैयार कीजिए, ताकि अपने घर के डिफरेंट कोनों में आप रख सकें। स्पेशली जहां आप लैपटॉप्स वगैरह चलाते हैं बैठ के, उस जगह पे, या अगर कहीं पे आपके घर के कमरे की किसी कोने में स्पेस है तो वहाँ पे लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आज जो हमने सीखे ये दो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, इससे आप भी अपने घर में काफ़ी सारी स्नेक प्लांट्स और मनी प्लांट्स लगाएंगे, ताकि आपके घर के भीतर की भी जो एयर की क्वालिटी हो वो इम्प्रूव हो जाए। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।